चाइना जाएं तो हमें चाइनीज सीखनी पड़ती है, अगर हम कोरिया जाएं तो कोरियन सीखनी पड़ती है, इंग्लैंड जाएं तो हमें इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। हर कंट्री के रूल्स हैं भी, हमारे मुल्क में आओगे तो जुबान सीख के आओ, कहीं तुम्हें परेशानी ना हो यहाँ पे बोल चाल के अंदर। रब फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत की जुबान अरबी। ज़रा बताएं आप जितने भी अहबाब बैठे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो कहे मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा? कह सकता है कोई कि मैं जन्नत अंदर नहीं जाना? हर बंदे की ये तलब है, हर बंदा ये दिल में तड़प रखता है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। अगर दुनियावी कंट्रीज के अंदर जाने के लिए उनकी ज़ुबान को सीखना ज़रूरी है, हमारा वीज़ा नहीं लगता, तो जन्नत में जाने के लिए बताएं अरबी ज़ुबान के बगैर वीज़ा लग जाएगा, जन्नत मिल जाएगी? अब आप कहेंगे यार हमें हाजा नहीं बोलना आता, अंता नहीं बोलना आता, हुआ नहीं बोलना आता, जालिका नहीं बोलना आता, हम अरबी में गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसका भी जवाब है, कुरान पढ़ना सीख लें, कुरान को पढ़ना सीख लें। जब कुरान हुजूर की अरबी जुबान को पढ़ना सीख जाएंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अरबी बोलने की ताकत भी अता फरमा देगा। यही कुरान जन्नत की जुबान है, इसी को पढ़ना सीख जाएं तो जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अरबी बोलने की ताकत अता फरमा देगा। और जिसने दुनिया में कुरान पाक को खोल के ही ना देखा हो, कुरान पाक को कभी पढ़ा ही ना हो, और वो कह गए कि जन्नत में जाऊंगा तो जन्नत की ज़ुबान भी आ जाएगी। जन्नत की ज़ुबान मिलना तो बड़ी दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी शायद ना मिले। जन्नत के जाने, जन्नत में जाने के तालिब हैं तो फिर अरबी ज़ुबान को सीखना पड़ेगा, ये कुरान पढ़ना पड़ेगा। हुज़ूर की ये ज़ुबान है अरबी, इस अरबी ज़ुबान से मोहब्बत हमें करनी पड़ेगी।